नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित आर्य और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल भारत योगी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आंवले के बारे में। आंवले से कौन परिचित नहीं है अपने इस आर्यवर्त में। दोस्तों हर कोई जानता है अपने इस भारतवर्ष में कि आंवला होता क्या है। दोस्तों हम ऐसी जगह में पैदा हुए हैं, हम ऐसे स्थान में पैदा हुए हैं जहाँ पर ईश्वर की अनेकों देन है, अनेकों उपहार हमारे को दिए, उन्हीं में से एक उपहार है आंवला। दोस्तों आंवला जो है पाचन तंत्र को सही करता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारी जो बौद्धिक शक्ति है उनको बढ़ाने में आंवला अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी आयुर्वेदिक या कोई भी ऐसी वीडियो है जो हमको अच्छी जानकारी दें तो उनको अंत तक जरूर देखा कीजिए ताकि आपको पूरा पूरा लाभ मिले और आप अधूरी जानकारी से नुकसान ना उठा लें। दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की बात का और आंवले के स्वाद का पता बाद में चलता है। आंवला भी अन्य कुछ प्रकृति में दिए हुए तोहफों की तरह है जो हमारे लिए गुणों की खान है। अब दोस्तों आंवला जो है, आंवला हर जगह उपलब्ध है, आंवला खूब खाया कीजिए। आंवले के सेवन के कुछ फायदे हैं जो जान लेते हैं। दोस्तों आंवले विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। एक आंवले में 3 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है, यानी कि आप 3 संतरे एक तरफ रख दें, एक आंवला एक तरफ रख दें तो एक ही बात है। आंवला खाने से जो आपका लीवर है उसको शक्ति मिलती है, वो मजबूत होता है, सवज बनता है, जिससे कि हमारे जो शरीर के विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालने में आसानी से अपना योगदान दे पाता है। दोस्तों आंवले का सेवन करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत हो जाती है, जिसकी आजकल हमें आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रदूषण फैलता जा रहा है उतनी ज़्यादा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों आंवले का जूस जो भी पीता है, जो भी पिएगा, उसका खून साफ होगा और उसका खून बढ़ेगा। आंवला खाने से दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो आप सभी जानते ही होंगे। आंवला शरीर की त्वचा और बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान अपना देता है। यदि आपके बाल सफ़ेद और आंवले का आप रस पीते हैं, आंवला खाते हैं, तो आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, यानी किसी बीमारी से हुए हैं तो शुरू हो जाएंगे। दोस्तों सुबह के नाश्ते में आंवले का मुरब्बा खाना काफ़ी ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। अब दोस्तों जानते हैं कि जो मुंह के छाले हैं उनमें क्या योगदान देता है। दोस्तों यदि आपको मुंह के छाले हैं और वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं तो आप बड़े आंवले का सेवन कीजिए और आंवले का जूस इसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसके लिए आंवले के जूस को आधे कप पानी के साथ मिक्स करके और उसे रोज़ाना कुल्ला करिए, निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा होगा। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी व्यक्तियों को नहीं समझ में आता, फिर बता देता हूँ। आधे कप पानी में थोड़ा सा आंवले का जूस मिलाइए और कुल्ला उससे कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मधुमेह, दोस्तों डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जो आंवला है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। मधुमेह के जो मरीज हैं, शुगर के जो मरीज हैं, उनके लिए आंवला यदि वो लेते हैं तो उनका मधुमेह, शुगर का रोग जल्दी ही फायदा उनको पहुँचाएगा। काफ़ी रोगियों को इसने फ़ायदा पहुँचाया है। बवासीर, दोस्तों बवासीर ज़्यादातर मोटे व्यक्तियों को जो एक जगह बैठे रहते हैं, बैठने का काम करते हैं, उनको बवासीर होती है और वो इससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। बवासीर के मरीज को सूखे आंवले को महीन या बारीक करके सुबह शाम गाय के दूध के साथ हर रोज़ सेवन करें, इससे बवासीर में फ़ायदा होगा। गाय का दूध समझ गए दोस्तों, देसी गाय के दूध से सेवन करेंगे तभी इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब नक्सीर, दोस्तों जिनको खून निकलता है नाक में से, यदि नाक से खून निकल रहा है तो आंवले को बारीक पीसकर बकरी के दूध में मिलाकर सिर और मस्तिष्क पर लेप लगाइए, इससे आपकी जो नाक से खून निकलता है वो बंद हो जाएगा और ये बीमारी जल्दी ही दूर हो जाएगी। दोस्तों जिन लोगों को नींद नहीं आती है और तनाव रहता है, उनके लिए आंवला काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा औषधि है, काफ़ी ज़्यादा अमृत है। काफ़ी व्यक्ति है जो टेंशन में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, वो रोज़ डेली आंवले का रस का सेवन कीजिए। और दोस्तों आंवले का रस नहीं तो कच्चा आंवला खाइए रोज़ 1 या 2, तो आपको नींद अच्छी आएगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब दोस्तों जिनको दिल की बीमारी है, जिनको अपना दिल मजबूत करना है या हृदय से कोई बीमारी है, तो उनको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए, आंवले का मुरब्बा जरूर खाना चाहिए। आँखों की बीमारी, दोस्तों जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, जैसे कि आजकल TV है, कंप्यूटर है और अंधेरे में पढ़ने की आदत है काफ़ी व्यक्ति को, तो उनकी आँखें कमज़ोर हैं, तो उनकी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आंवला काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देता है। यदि आप आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी आँखों में अलग ही तरावट महसूस करेंगे।
साथ में एक बात और बता दूं, आंखों को धोने के लिए आप छोटी कटोरी लीजिए, उसमें पानी डालिए, मटके का पानी डालिए, ठंडा ठंडा पानी डालिए, और फिर उसमें आंखों को डुबोइए, एक आंख डुबोइए पहले, और ऊपर उसको खोलना है, आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ घुमाना है, इसी प्रकार दूसरी आँख से कीजिए, फिर आप देखें कुछ समय बाद आपकी आँखों में कितनी तरावट आती है। अब दोस्तों मेटाबॉलिज्म में भी सुधार करता है आंवले का जो सेवन है, आंवले के सेवन से आपको मेटाबॉलिज्म में सुधार मिलेगा। इससे दोस्तों जो आपका मोटापा है वो कंट्रोल होगा, मोटापे को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि जितना आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है उतना ही आपको वजन कम करने में सहायता होती है। इसलिए जो लोग भी मोटापा कम करना चाहते हैं उनको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आंवला आपका पक्का मित्र है जो कि आपका मोटापा कम करने में अपना योगदान देगा। अब दोस्तों जिनको पेशाब में जलन रहती है उनके लिए भी आंवले का रस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप आंवले का रस शहद में मिलाकर सेवन करते हैं इससे आपकी जो जलन है वो आपकी दूर हो जाएगी और आपका पेशाब साफ आएगा। पथरी के लिए दोस्तों काफ़ी व्यक्तियों को पथरी की शिकायत होती है, यदि आपको पथरी की शिकायत होने पर सूखे आंवले के चून को आप मूली के रस के साथ मिलाकर 40 दिन तक सेवन करते हैं तो इससे आपकी पथरी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आंवला खाने से कई प्रकार की जो हमारी शारीरिक कमियां हैं, समस्याएं हैं, काफ़ी सारे रोग हैं वो दूर काफ़ी आसानी से हो जाते हैं और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है तो जब भी मौसम की मार पड़ती है यानी कि मौसम बदलता है तो हम उससे भयभीत नहीं होते, हम उससे रोग ग्रसित नहीं होते। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और दोस्तों आंवला खाने से, इस चने खाने से, ये चीज़ें खाने से आपके दांत मजबूत होते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कम से कम 20 किलो वजन से मैं आसानी से अपने दांतों से उठाता हूं और उसे एक्सरसाइज कर लेता हूं जिससे कि मेरे दांतों में कोई दर्द भी नहीं रहता। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आप हमारी नई वीडियो प्राप्त कर पाएंगे। साथ में जो बेल आइकन था उसको जरूर दबाएँ। चलिए दोस्तों नमस्ते, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।